नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिद्धि बहल। 21 जून 2020 को साल का पहला ग्रहण पड़ रहा है। दूसरा ग्रहण जो है वो 14 दिसंबर 2020 को है। 21 जून जो है वो साल का सबसे बड़ा दिन भी है। ये ग्रहण जो है वो सुबह के समय होगा, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, यूरोप के और एशिया के कुछ हिस्सों में, चाइना में दिखाई देगा, इंडिया में खास करके नॉर्थ इंडिया में दिखाई देगा और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग में दिखाई देगा। ये जो ग्रहण है वो मिथुन राशि में पड़ रहा है। मिथुन राशि में बुध है, राहु और सूर्य तो है ही। राहु की जो अच्छी बात है वो ये है कि राहु जो है वो अब आद्रा नक्षत्र से निकल गए हैं। आद्रा नक्षत्र इज अ नोटोरियस नक्षत्र, तो राहु इज आउट ऑफ आद्रा और अब जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में आ गए हैं। देखिए, जो सूर्य ग्रहण होता है खास करके उसकी जो एनर्जी होती है और जो उसका असर होता है वो चंद्र ग्रहण से ज्यादा होता है और सूर्य ग्रहण जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सूर्य को ज्योतिष में पॉलिटिकल पावर के लिए हम देखते हैं, सूर्य को राजा कहा गया है, तो किंग या जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनके लिए जो है हम सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य ग्रहण पे जो असर होता है वो पॉलिटिकल नेशनल लेवल पे होता है, पॉलिटिकल डिसीजंस पे होता है। जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे या ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसका कि इम्पैक्ट पूरे देश पे होगा, चाहे वो सोशल कंडीशंस हो या वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक कंडीशंस हो। तो देखिए, अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की चल रही हैं इस ग्रहण के बाद उसमें कोई बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा ऐसा देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट की भी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो अभी कंट्री का अभी चलेगा। जहां तक पॉलिटिकल डिसीजंस की बात है तो हो सकता है ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जिससे कि कंफ्यूजन्स जो है वो और ज्यादा बढ़े। ग्रहण में जो है जो नेचुरल क्लैमिटीज हैं उनका ग्रहण से बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। जो ग्रहण की एनर्जीज होती हैं उससे लोग इसलिए भी घबराते हैं और इसलिए भी ग्रहण को नेगेटिवली देखा जाता है, क्योंकि ग्रहण के बाद जो इवेंट्स होते हैं या जो ग्रहण से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसा मैंने कि अपने पिछले वीडियो में लूनर एक्लिप्स वाले में आपसे बताया था कि चंद्रमा जो है वो कारक है जल का, तो बारिश ज़्यादा होना या समुद्री तूफान आना ऐसी चीज़ें होंगी। सूर्य ग्रहण को भी हम जो है लिंक करते हैं नेचुरल क्लैमिटीज से, जैसे कि अर्थक्वेक, क्योंकि ये ग्रहण जो है नॉर्थ इंडिया में दिख रहा है तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो है अर्थक्वेक के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। और भी वेदर में भी जो है एक समानता नहीं रहेगी, वेदर में भी जो है डिस्टर्बेंसेस देखने को हमें मिलेंगे। ये ग्रहण जो है चाइना में भी देखने को मिल रहा है। चाइना में इस ग्रहण का ये असर होगा कि जो चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो उनकी इंटरनल कंडीशंस है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पे जो है लोगों में एक अनरेस्ट है, लोग जो है वो परेशान हैं। चाइना जो है बहुत कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है कि उसकी जो इंटरनल खराब कंडीशंस है वो बाहर दुनिया को देखने को ना मिले, पर इंटरनली चाइना के लिए जो है ये ग्रहण का असर जो है इंटरनल उसकी कंडीशंस पे बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। हम इंडिविजुअल्स पे भी जो है ये ग्रहण का असर होता है। सो आप लोग जो है कोशिश करें कि इस दौरान ग्रहण जब पड़ रहा हो खास करके तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़कने वाली जगह पे ना जाएं, कोशिश करें कि घर के अंदर ही रहें। कोई भी ट्रैवल की अगर प्लान हो तो अगर उसको आगे पीछे कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें। अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रे करें। अगर आप देवी के भक्त हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, नहीं तो आप विष्णु के नरसिंह अवतार का उग्रम वीरम महाविष्णु मंत्र का जो है पाठ जरूर करें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्रे फॉर योर प्रोटेक्शन।